हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के साथ आपका फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइट यानी प्रकाश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है। लाइट जो आपके फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, और आप लोगों को पता ही होगा फिजिकल साइंस में आपका दो सब्जेक्ट आता है, एक आता है केमिस्ट्री, एक आता है फिजिक्स, ठीक है, यानी भौतिकी। तो ये जो चैप्टर हम लोग का 5 आता है वो फिजिक्स यानी भौतिकी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको इंटरेस्ट डेवलप कराना पड़ेगा कि फिजिक्स यानी भौतिकी एक्चुअली में है क्या। आज थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे कि फिजिक्स यानी भौतिकी हम लोग पढ़ते क्यों है, थोड़ा आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट लाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो आता है टोटल इस बार 17 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो मार्क्स वाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप लोग का जो डेवलप जो इंटरेस्ट है इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर में आपका बना रहे, इसके कारण से आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का डेप्थ में इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। समझ में आ गया, तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं इसमें है क्या एक्चुअली में लाइट, ठीक है। इस बार मार्क्स कितना आ रहा है, 17 मार्क्स का ये चैप्टर इस बार है, ठीक है, मार्क्स वाइज सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है फिजिक्स यानी भौतिकी के अंतर्गत आ रहा है, तो भैया ये फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम अपने भाषा में बोलना चाहें फिजिक्स है क्या, तो देखो दुनिया में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है, ठीक है, जितनी भी प्रकार की फिनोमिना या घटनाएं घटित होती है, हर घटना के पीछे एक कारण होता है। जब हम उस कारण का, उस रीजन का खोज करते हैं ना, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे भैया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो इंद्रधनुष हो, इंद्रधनुष यानी रेनबो 7 रंगों का बना होता है, वो बनता कैसे है, ठीक है, वो बनता कैसे है, ठीक है। कैमरा जो होता है, जो कैमरा होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है। यह हम लोग चश्मा देखते हैं, विभिन्न प्रकार का चश्मा आता है जिनका आँख थोड़ा खराब हो जाता है वो चश्मा पहनते हैं, ठीक है, उसमें जो कांच लगा रहता है उसको क्या कहते हैं। या फिर आप अपने आईना के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो आपके जैसा एक दर्पण के अंदर यानी मिरर के अंदर आप ही के जैसा एक आपका रूप दिखाई देता है, वो क्या है, उसके पीछे क्या कारण है इन चीज़ों के बनने का, ठीक है। इन सब चीज़ों को ही, इन सब चीज़ों का जो क्वेश्चन है जो आपके मन में आएगा, इन सब चीजों का जो हल मिलेगा वो आपको इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही मजा आएगा ये चैप्टर में, देखिएगा बहुत नई नई चीजें आप इस चैप्टर के बारे में जानने को मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि आज आपका क्या करेंगे, डेवलप यानी क्वेश्चन को आपके अंदर उत्पन्न करेंगे, फिर उन क्वेश्चनों का हल इस चैप्टर में धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग को पढ़ना है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। उसके बाद दर्पण यानी मिरर, मिरर सिंपल भाषा में बोलना चाहे तो आईना, आईना होता क्या है। तो आईना हम लोग को दो पार्ट है, एक होता है समतल गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण उपतल दर्पण। ये सारी चीज़ें क्या है, हर चीज़ के बारे में डेप्थ में डायग्राम के साथ सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बहुत नई नई चीज़ें आप देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषा, हर परिभाषा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, ठीक है, सबका डायग्राम बनाने आता है, ये सब क्या है, इन चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज, पहली बात तो भैया होता क्या है, तो उसको आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अवतल और उत्तल जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण का यूज यानी अब उपयोग क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है उसका यूज यानी उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद वर्तन का नियम क्या होता है, वर्तनांग क्या होता है, कांच का गुटका यानी ग्लास स्लैब जिसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, ये सब नई नई चीजें, नई नई नाम है, आप किताबों में देखे होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, या किसी किसी को समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ठीक है, इन सब चीजों का यूज क्या है, उन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डेप्थ में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मार्क्स तो भाई 17 मार्क्स से आ रहा है तो उसके लिए तो पढ़ना है, लेकिन चीज़ों को समझ करके, इंटरेस्ट डेवलप करके इन चीज़ों को पढ़ना। उसके बाद लेंस, लेंस आप लोग देखे होंगे, ठीक है, लेंस क्या होता है, आंखों में देखते हो कोई लेंस लगा लेता है तो वो लेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, चश्मे में जो लगा रहता है वो लेंस लगा रहता है, वो किस प्रकार का लेंस होता है वो पढ़ेंगे, लेंस के विभिन्न प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। एक्चुअली में हम लोग को विभिन्न प्रकार होते हैं लेकिन अवतल उत्तल दो ही प्रकार के हम लोग को पढ़ना रहता है क्लास 10 के सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद है अवतल उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, उसके बाद रेखीय आवर्धन, ये सब जो टॉपिक है रेखीय आवर्धन आपका किताब में बहुत कम मिला रहेगा लेकिन प्रीवियस ईयर में सबसे क्वेश्चन आया है, ठीक है,
किताब में इस सब का जिक्र मिलता ही नहीं है, वेस्ट बंगाल में अधिकतर किताबों में जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक को डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और इससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है सारे क्वेश्चन को टॉपिक के साथ करेंगे कि हम लोग का फुल क्लियर रहे, नोट्स बन जाए, हम लोग एग्जाम के लिए पूरी तैयार रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद पढ़ना है मानव नेत्र और उससे संबंधित बीमारियाँ, ठीक है। मानव नेत्र मतलब हम लोग का जो आँख है, ठीक है, आँख कैसे काम करता है, आँख कैसे काम करता है, इससे संबंधित क्या क्या बीमारी होता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को सब कुछ धुंधला दिखता है, ये सब क्यों होता है, इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, कारण क्या है, उन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद कैमरा, कैमरा तो आप लोग जानते होंगे, जिससे आप लोग फोटो वोटो खींचते होंगे, यहाँ से अभी तो मोबाइल आ गया है, ठीक है, लेकिन कैमरा जब था बहुत प्रचलित था, ठीक है, शादी भी हम आप लोग देखते होंगे, तो जो कैमरा है वो काम कैसे करता है, ठीक है, उसके पीछे लेंस लगा रहता है, वो सब क्या होता है, उन सब उसका वर्किंग प्रिंसिपल मतलब वो कार्य विधि क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद है देखिए ये टॉपिक, ये सब टॉपिक बहुत किताब में जिक्र ही नहीं मिलता, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, इसलिए वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी की सामान्य जानकारी सिंपल सा इतना हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो एक्चुअली में हम लोग कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ण विच्छेपण, आप लोग देखिएगा तो ये सब टॉपिक कुछ कुछ टॉपिक होगा जो किताब में जिक्र नहीं होगा, तो भैया आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, लेकिन हम लोग के जो बुक है उसमें उसका जिक्र मिलता नहीं है। अब जिक्र मिलता नहीं तो इसका मतलब वो टॉपिक को छोड़ दे क्या, नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं इसलिए उसको पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ण विच्छेपण, वर्ण विच्छेपण क्या होता है, ठीक है, रंगों से संबंधित घटना, ठीक है, कोई भी चीज़ का रंग, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ आपको विभिन्न रंगों का क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये सफ़ेद सफ़ेद क्यों, लाल लाल क्यों दिखाई दे रहा है, अभी तो आप बोलेगा भाई ये लाल है इसीलिए लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है, कारण है कि कोई भी चीज़ आपको लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, समझ रहे ना। तो इन सब कारणों का आप इस चैप्टर को पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद है प्रकाश से संबंधित घटना है, ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी घटना है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भैया ये सब चीज़ें जो बताए इन सब के पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो थोड़ा बताइए, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और 17 मार्क्स का चैप्टर, बहुत बड़ा मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, एक एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे कि हम लोग का एक जो मार्क्स है ना वो इधर उधर ना हो, ठीक है। और थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपका डेवलप जो इंटरेस्ट है वो दोगुना हो जाए, ठीक है। ये देखिए इंद्रधनुष, ये सब तो आप देखे ही होंगे इंद्रधनुष, ठीक है, बरसात होता है और जो धूप निकलता है, कभी गौर के है जब थोड़ा थोड़ा बरसात हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा होता है तभी हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है, जब पूरा बरसात होता है तभी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, और जब पूरा धूप निकल के रहता है तब भी हमको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब थोड़ा बरसात होता है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा आपका धूप, सूर्य की रोशनी निकलती है तभी आपको इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन अभी आप कभी किए हैं अपने आप से, नहीं किए होंगे, या कोई किया होगा जिसको उत्तर नहीं मिला होगा, तो वो उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, ये चैप्टर पढ़ के ही मिलेगा। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये क्या है, ये थोड़ा सा जिक्र मिलता है हम लोग का सिलेबस में, तो हम लोग भी उतना ही करेंगे जिससे हम लोग का काम भर जाए, ठीक है, काम बन जाए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, ये सब आपको अगले जो 11-12 में आप जाइएगा तो डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, समझ में आ गया, अब पूरा ही हम लोग का टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। हम लोग को मेन ये सारे टॉपिक पढ़ना था, सबके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है, सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक है, थीके? जो ग्लास स्लैब यानी कांच का जो गुटका जिसके बारे में पढ़ना है ना, उसका ये डायग्राम है, ठीक है, देख सकते हैं ये पूरा कांच का बना होता है, ये काम के ये क्या है, ये काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और चेंज करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, या संध्या के समय या जब उदय होता है तो उस समय सूर्य के जो पूरा आसमान होता है वो पूरा लाल दिखाई देता है, वो लाल क्यों दिखाई देता है, कभी आपने क्वेश्चन किया है, भैया लाल दिखाई देता होगा ऐसे ही, लेकिन उसके पीछे भी एक साइंस है, एक रीज़न है, ठीक है, उसके पीछे भी क्या है, एक फिजिक्स काम करता है, सूर्य हमें सूर्य के आसपास जो आसमान है वो लाल क्यों दिखाई देता है, या आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय देखे होंगे आप लोग नीला अधिकतर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, संध्या के समय या सूर्य उदय के समय हमें आसमान लाल क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, इन सब चीज़ों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ये देखिए यही चीज़ को बोलते हैं आपका
हमारा जो क्या है ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण इसी को बोलते हैं भैया, ये क्या हमको तो पता ही नहीं चला, इसी चीज को बोलते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पे हाथ रखेगा तो ये दर्पण के अंदर आपको इतना बड़ा हाथ दिखाई देगा। अब ये क्यों दिखाई देता है ये आप लोग देखे नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम जो हम लोग का घर में यूज होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, घर के सामने रखेगा तो उतना ही बड़ा हाथ अंदर में दिखाई देगा। लेकिन कुछ ऐसे आईना भी आता है जिसके सामने आप रखेगा तो आपको हाथ क्या होगा बहुत बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार का दर्पण को गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये तो अवतल दर्पण है, ठीक है। लेकिन और इसके अलग अलग जगहों पर रखने पे क्या होगा, हाथ बड़ा छोटा देख लो कितना जादू जैसा लग रहा है, ठीक है। हाथ इतना छोटा अंदर में इतना बड़ा हाथ जादू जैसा लग रहा है, अंदर में कोई राक्षस बड़ा वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ही का हाथ है। लेकिन ये दर्पण का ऐसा गुण है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या बना हाथ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। ये क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट सूर्य की प्रकाश किरने जाएगी तो यहाँ सात रंगों में विभक्त हो जाती है, इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये क्यों होता है, ठीक है, क्या ये प्रिज्म जो है वो सात रंगों को अपने अंदर से निकालता है, ठीक है। ये सबको एकदम वीडियो के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। यहाँ से जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य की प्रकाश की किरने जब यहाँ से पड़ेगी और ये प्रिज्म कुछ ऐसे आकृति रहता है कांच का बना रहता है, इसको हम दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। जब यहाँ से गुजरता है तो यहाँ से गुजरने के बाद ये क्या होता है सात अलग अलग रेमबो का जो कलर होता है उसमें बिखर जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग, सब मजा आएगा आप लोग को। ये कैमरा जो बोले कैमरा जो ये कैमरा आप लोग देखे होंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सोचो कितनी नई नई चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये तो रेमबो आप लोग को पता ही है, ठीक है। हाँ तो समझ में आ गया लाइट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ लाइट यानी आपका जो चैप्टर नंबर 5 जो 17 मार्क्स का आएगा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसको नोट डाउन मत कीजिए, इसको आराम से कॉपी में थोड़ा मोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, कि आपको पता रहे कि ये खत्म हो गया तो इसके बाद ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप रहा है इन चीज़ों को ध्यान से। आप भी कुछ प्रकाश से रिलेटेड लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है, ऑब्जर्व करिए, फिर उसका क्या क्वेश्चन होगा, आंसर क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन को जितना हम लोग के बस में है उसका सारा आंसर आपको इस चैप्टर में पढ़ने के साथ आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ आप जब हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उससे हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंस का, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।